Hello everyone, in this video we will be talking about why Rydberg constant has two values. Class 11th के chemistry में दो instance ऐसा आता है जहाँ पे Rydberg constant की दो अलग अलग value दी हुई है. पहली जो value दी गई है वो है line spectrum of hydrogen के formula में, जिसमें जो Rydberg constant की value दी है इतनी दी हुई है, right? और जो दूसरा instance है जहाँ पे Rydberg constant की अलग value दी हुई है वो है 2.18 इंटू 10⁻¹⁸ जूल. यह बोर्स एनर्जी इक्वेशन में दी हुई है. दो इंस्टेंस आया, पहला आया बोर्स एनर्जी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा इंस्टेंस आया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. इन दोनों ही जगह पे अलग अलग वैल्यू दी हुई है. यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻¹⁸ जूल और पीछे 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. तो एक ही नाम से यानी Rydberg कांस्टेंट के नाम से दो अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती हैं? आई मीन आखिर Rydberg कांस्टेंट ओरिजिनली क्या है? तो Rydberg कांस्टेंट ओरिजिनली ये होता है, ये Rydberg कांस्टेंट ओरिजिनली है, ये ओरिजिनल Rydberg कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू ये होती है. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वाले फॉर्मूला में जो ये आर आता है जिसको Rydberg कांस्टेंट कहते हैं, इसमें ओरिजिनल Rydberg कांस्टेंट यूज हुआ है. वेयर एज जो बोर्स एनर्जी इक्वेशन है उसके में उसका जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ये है. बोर्स एनर्जी इक्वेशन में जो ओरिजिनल इक्वेशन आता है डिराइव करने के बाद वो इतना आता है, इतने को कहते हैं बोर्स एनर्जी इक्वेशन. बट हम इस फॉर्मूले को जब एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इसमें चाहते हैं कि इसमें हम Rydberg कांस्टेंट जो ओरिजिनल वाला है जो कि एम ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी है, ठीक है, ये भी इंक्लूड हो जाए. बट यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एच स्क्वायर है और सी तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे एच सी से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अब क्या होगा कि ये जो पूरा होगा अब ये पूरा बन जाएगा Rydberg कांस्टेंट, ठीक है. अब जब ये पूरा Rydberg कांस्टेंट बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तब हम इसको आसानी से लिख पाएंगे कि ये जो है ये चीज़ हो गया आर डॉट एच सी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻¹⁸ जूल. तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जब R में HC से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू आती है. बट NCERT ने क्या किया है, इसको HC के साथ ही RH लिख के डिक्लेयर कर दिया है कि ये भी एक Rydberg कांस्टेंट है. तो हमें समझ में आ गया कि बोर्स एनर्जी इक्वेशन में ऐसा क्या चेंजेस लाए गए हैं जिसकी वजह से Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू अलग लिख दी गई है. इस तरह से एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि Rydberg कांस्टेंट की जो यूनिट है अकॉर्डिंग टू NCERT वो क्या है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी की यूनिट होती है और यहाँ पे मतलब वेवलेंथ के इनवर्स का यूनिट आता है, ठीक है. तो यहाँ पे दो दो यूनिट होती है और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि NCERT ने इसको मेंशन किया है कि इसकी दो वैल्यू होती है. तो अब हमें समझ में आ गया कि अलग अलग यूनिट है, एक बार एनर्जी का और एक बार वेवलेंथ के इनवर्स का. तो क्वेश्चन पूछेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है. और हमें ये भी समझ में आ गया किस तरह से Rydberg कांस्टेंट की दो वैल्यू होती है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.